बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि तुसी सब खैरियत नाल होवोगे, ठीक ठाक होवोगे। असी भी अलहमदुल्ला खैरियत नाल नाल ठीक ठाक हाँ। अज दी वीडियो अल्लाह दे बड़े बबरकत नाम दे नाल करनी है शुरू। वीडियो शुरू करन तों पहले मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सबसक्राइब कर दिओ ते नाल बैल आकन घंटी नूं दबा दिओ। एक घंटी साड़ी बचपन के होंगी सी जी स्कूल जाने नशा सूँ अधी तफरी होंगी सी या पूरी छुट्टी होंगी सी उदो घंटी वजती होंगी सी टन 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 टन। चलो जी छुट्टी अद्धे घंटे की फिर सानू अधी तफरी होंगी होंगी सी तो अद्धा घंटा जी फिर पूरे के फिर असं जाने होने फिर जो स्कूलों सूँ छुट्टी होंगी सी उदो फिर वो घंटी वजती होंगी सी। तो करने वीडियो का आगाज़ तो वीडियो का आगाज़ ये भी कि असी हूँ मैं चलना बार पैरी पैरी च पट्ठे लैन चलना पट्ठे कल दे पे अज दे वास्ते ते कल दे वास्ते पे भी ने तकरीबन अज वास्ते ते पराली लैके आनी है जिहड़े रोज़मर्रा दे काम ने मेरे। तुसीं रोज़ कहिंदे होवो कि रोज़ पट्ठे चल जांदा लेकिन मेरे काम ही ये ने। अगर थोन थोड़ी जी सर्दी घटती है उस बाद फिर कितने बाहर फिरन फुरन जा करांगा थोड़े दिन खुले हो जाए हजे दिन ही छोटे छोटे ने तो सारा दिन बस इस तरह लंघ जाती है कामों के विच इधरों दिन चढ़ उधरों शाम पैन दी है। तो जो इंशाला दिन खुले हो जाएंगे फिर टाइम ना काम करके वेले उस तो बाद फिर असं इंशाला बाहर फिरन तुरन दी है तो बाहर दी वीडियो बना बना के इंशाला अपलोड कराया करांगे। तो वीडियो जी देखा कर मैं अपलोड करा करूँ बहुत ही वेख करो ताकि मेरा बहुत बहुत वाच टाइम हो लाइक कमेंट लाजमी कराया करो। तो मिलने हूँ रेहड़ी पट्ठिया वाली बाज वो हजे पट्ठे लगे ने पट्ठे हूँ लाने उतों तो वह दिखाना वा जी रेहड़ी पट्ठे लगे ने उस ला के फिर तुम रेहड़ी जोग दिखावे। ए जी बीहा राणी मेरी भतीजी है इन बुखार चढ़िया जी अज सारा दिन सर्दी के फिर जाती धुप्पे सर्दी के नंगी पैरी ना जुत्ती पानी ना इन्हें कुछ तो टोपी लैनी होंगी है तो हूँ बुखार चढ़ा के तो पई है। चल आ चलीए चीज़ खानी चीजी खानी है चीजी की बड़ी भाजी खानी भाई बुखार चढ़िया बुखार चढ़िया तुम अज आराम करो मैडम जी अज कि नहीं जाना। अच्छा नहीं आराम ना पै इत कि नहीं जाना मैं वो लगा पट्ठे लाने लगे रेहड़ी तो अस बहर पैली चलने हैं चल इतने पै मेरे ती शाबाश 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 पै जा इत ठीक है। हाँ जी लाओ थले ए जी समान लगा पट्ठे लाने थले अज स्कूल नहीं ना पुत गया तू चलो फिर पट्ठे लाओ मेरा पुत तुम पता लगे छुट्टी करा एवं जान बुझ के छुट्टी करके बह गया जी अज ना कोई मसला ना मसला जो बुखार चढ़िया वो स्कूल चल गई जारी हा दी तो ये चो साहब होने चंगे भले पट्ठे लाने वे चंगा भला है तो चंगा भला स्कूल नहीं गया तो बस ए कम तो बड़ा खुश रहा चल ला हाँ मेरा पुत्र पट्ठे तेन पता लगे चल चल जटा का पुत्र ने तेनों की है ला पट्ठे पजामा तां कर ला। अच्छा जी मैं हूँ सुभाव नाल पट्ठे लवा लवा पट्ठे लवा के तो फिर असी रेहड़ी जाने फिर तुम दिखाने फिर जाने बार पैरियां ऐ जी रेहड़ी हूँ जोलीए रेहड़ी जोग तो चलने हूँ बार प्यालियां रेहड़ी लैके मैं जा रहा तेरा बच्चे बह गए नाल स्कूलों आए सन कहते चाचू सानू बिठा लो। हाँ कैसा फील हो रहा तुम बैग उत्ते मज़ा आ रहा जी कि नहीं आ रहा जी चलो तेरा डेरा भी आ गया। हाँ जी तो हूँ मैं पहुँचाया पैले दे विच मैं कहा चलो जाके पैले दे विच वीडियो बनाने देखा कि ध्यान ना डिगना पाव ए देखो पिछे हले पानी खड़ा है कणक दे विच तकरीबन हूँ थोड़ा थोड़ा रह गया धुप्पा लग लग गई तो हूँ पानी थोड़ा ही रह गया अगो फिर दसते पे ने कि बारिश बस हूँ लापाक हूँ तो ना बारिश पाए बस हूँ बहुत पै गई अगे ही अगे तो पैलिया ने पानी सुखा लिया लेकिन हूँ नहीं अगर सुखा सकती क्योंकि जिनी बारिश अगे पै गई वो बहुत पै गई है हूँ उन्होंने इन्नी नहीं है हिम्मत के बेचारियाँ पैलियाँ सुखा सकन हजे खाद खुद पानी सारे पा रहे हैं कोई ने पानी हले पैलियाँ जिन्हें पानी वो नहीं हले पा रहे जिन्हें सुख गई वो पा रहे हैं। देखो पिछे कितना खूबसूरत मंजर है शाम का टाइम है कितना खूबसूरत नज़ारा है देखो मैं हूँ जा रहा अपने टूबल से उस जा देखने सूरत हाल की है गाँव की जिंदगी का बहुत अपने एक मज़ा जीन का इस टाइम बहर पैलियाँ पुलियाँ च आ जाव बहर फिरन तुरन आ जाव तो बहुत मज़ेदार जिंदगी है शहर में तो किसी कोई पुछता ही नहीं है ना कोई कितने बहर जा ना कोई कितने किसी घर कोई आवे ना जाए सारा दिन अंदर ही रहना अपने अपने घर
ਤੇ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹੀ ਮੌਜ ਆ। ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰ ਤਰਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ਾ ਹਰ ਤਰਫ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਟੂਵੈਲ 'ਤੇ, ਦੇਖੀਏ ਟੂਵੈਲ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਰਾਹ ਹਜੇ ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਟਿਊਬਵੈਲ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਸਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋਮ ਕਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਆਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੈਸੇ ਲਾਈਆਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਹ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਗੋਡੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਪਰਾਲੀ ਤੀਰੀ ਬਨੇੜੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਪਰਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰ੍ਹੋਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹਿਲਦਾ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ। ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਲਾਪੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਵਿਘਾ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਵਿਘਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਪੇਟ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਰਬੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸਮ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਿਘਾ ਇੱਕ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਰੇੜੀ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਰੇੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਡੀਓ ਹਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਘਰ, ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਤੀਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਬਦੁਲ ਹਾਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਬੀਹਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਅਬੀਹਾ ਰਾਣੀ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਹਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਬਰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਬਰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਹਾਦੀ ਅਬਦੁਲ ਹਾਦੀ ਅਬੀਹਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਉਤਰਿਆ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਓਏ ਹੋਏ। ਹਾਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇਰਾ ਹਲੇ? ਹਾਦੀ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ? ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨ ਲਾੜ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ। ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਕਬ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਮਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਕਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ, ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼। ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਕੋ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀ। ਸਹੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਓ ਜੀ, ਚਲੋ ਦੁਬਾਰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਲਓ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਸ ਜੀ।
जी कबड्डी तुहानूं किस तरह लगी इहनां दी लाजमी दस्सिओ लाइक कमेंट करके। तो यह जी आकब साहब बनी कबड्डी, आकब साहब एक आवाज ला दो गर्म आंडियां दी। बस बस ओ अंडे अंडे गर्म अंडे अंडे गर्म अंडे अंडे। एक तस्वीर ला, तस्वीर ला दो, एक तस्वीर इधर करके ला ना बिच इधर, ऐसे हाथ ना, ऐसे हाथ ना ला, ऐसे हाथ ना, ऐसे हाथ ना ला, इधर ही दे ना। चल ला भाई तस्वीर, तस्वीर ले थल लगी है जी। चलो अभी ओ वाह जी वाह वाह, हुन कट के वाह, कट के वाह, तस्वीर कट के दिखाओ, लो जी ज़ूम हो गई। चलो जी मां साहब जी, एक एक केड़ा गाना गांदे ने एक आकब साहब होनी हो मई मई वाला, ओ मई मई नहीं, ओ केड़ा गांदे ने ओ बागो बागो, ओ केड़ा गांदे बागो बागो। सुनाओ जी साईं साहब बागो 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 नहीं ओ भाई भाई ओ बाबा ए भाई बा। चलो जी बस। अच्छा जी तो हूँ रात पै गई है, रात पै गई है, सर्दी बहुत हो गई है, फिर अज तो शीत बहुत पैंदी पई है। तो अल्लाह पाक ने सानू सब अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान रखे, अपनी हिफाजत रखे। वीडियो तुहानू किस तरह की लगी लाजमी लाइक कमेंट करके दस्यो, तो मेरे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल में सबसक्राइब कर दिओ, तो नाल घंटी बजा दिओ ताकि हर आने वाली वीडियो तुहानू मिल सके। मैं पहले भी कहा सी कि वीडियो हजे तो बाहर नहीं निकलिया जा, दिन छोटे ने तो रात लंबी ने, सारा दिन बस काम च लंघ लंघ जाती, तुहानू पता जो मैं काम करना पट्ठे दे मेरा टाइम बहुत लग जाता है, तो यह काम माल डंगर का संभालना बड़ा औखा है, तो इस करके मैं बहुत लेट हो जाती है। तो इंशाल्लाह जो ही दिन खुलते हैं फिर मैं जाया करा बहर, बहर की वीडियो इंशाल्लाह बनाया करा अपने पिंड दारिया और भी उरे परे सारी वीडियो बनाया करा। तो वीडियो तुहानू किस तरह की लगी है बारे लाजमी लाइक कमेंट करके दस्यो, मेरे चैनल में सबसक्राइब कर दियो, तो उन्नी देर तक दो इजाजत। अल्लाह पाक सानू सब नू अपने हिफ्ज़ अमान रखे, अपनी हिफाजत रखे, तमाम दुखा तकलीफा परेशानियों तो बचाई रखे। तो आखिरी दफा एक शेर सुना दें, शेर सुनो, वो जिसके जाने से जाती थी जान अपनी, वो जिसके जाने से जाती थी जान अपनी, उसका जाना भी हमने अपनी आंखों से देखा। तो मिलेंगे अगली वीडियो, तो उन्हें देर तक दो इजाजत, अस्सलामु अलैकुम।